वाघेला। हिंदी में आज का हमारा नेक्स्ट लेसन है बर्तन धान्य आदि। हमें जब भूख लगती है तो मम्मी हमें खाना बना के देती है ना? तो वो जब खाना खाते तो क्या कभी हमने सोचा है कि ये खाना कैसे बनता है, ये खाना किसमें बनता है, ये खाना बनने में कौन कौन सी चीजों का उपयोग होता है ना? तो ये सोचने की बात है। तो खाना बनाने की सारी चीजें कहाँ उपलब्ध होती है? रसोई घर में। तो रसोई घर के बर्तन धान्य और रसोई घर की कुछ चीजों के बारे में हम आज सीखेंगे। यानी कि गुजराती में थाली, जिसमें हम खाना खाते हैं, है ना? थाली में हम खाना खाते हैं, जिसे गुजराती में थाली कहते हैं। फिर है कटोरी, यानी कि गुजराती में वाटकी। वो छोटी सी जो कटोरी होती है ना, वो कांच की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है और दूसरी धातु की भी होती है, जिसे हिंदी में कटोरी और गुजराती में वाटकी कहते हैं। पतीला, यानी कि गुजराती में तपेलू। पतीला, पतीला छोटा भी होता है बड़ा भी होता है ना, जिसे गुजराती में तपेलू कहते हैं। पतीले में सब्जी बनती है। चम्मच, यानी कि गुजराती में चमची। चम्मच यानी कि गुजराती में चमची, कि जिससे हम खाना खाते हैं, है ना? खाना बहुत गर्म होता है तो हम खाना खाते हैं ना चम्मच से, वो गुजराती में चमची। प्याला, यानी कि गुजराती में प्यालो। प्याला यानी कि जिसमें हम पानी पीते हैं, तो वो प्याला कांच का भी होता है और दूसरी कई धातु का भी होता है ना, वो प्याला। फिर है प्याली, गुजराती में भी उसे प्याली कहते हैं। प्याला यानी कि पीने वाला, पानी जो हम पीते हैं ना वो वाला है, और प्याली यानी कि छोटा सा कप, कि जिसमें हम चाय पीते हैं वो, जिसे गुजराती में प्याली कहते हैं। सरसी, यानी कि गुजराती में सांसी। सांसी, सांसी यानी कि जो गर्म चीजें होती है, जब खाना बनता है तो गर्म गर्म होता है ना, तो हम क्या उसे पकड़ पाते हैं? नहीं, हमें बहुत गर्म लगता है, तो सरसी से हम वो गर्म चीजें पकड़ सकते हैं, जिसे हिंदी में सरसी और गुजराती में सांसी कहते हैं। चकला, यानी कि गुजराती में आंगड़ी। चकला यानी कि गुजराती में आंगड़ी, कि जिस पर हम रोटी बेलते हैं उसे चकला कहते हैं और गुजराती में आंगड़ी। फिर है बेलन, यानी कि गुजराती में वेलन। चकला यानी कि जिस पर हम रोटी बेलते हैं, और बेलन कि जिससे हम रोटी बेलते हैं, है ना? तो ये दोनों में फर्क है। चकला यानी कि जिस पर हम रोटी बेलते हैं, और बेलन यानी कि जिससे हम रोटी बेलते हैं, ओके? उसे गुजराती में वेलन कहते हैं। फिर है चूल्हा,
यानी कि गुजराती में चूलो। चूल्हा यानी कि गुजराती में चूलो कि जिस पर हम खाना बनाते हैं। चाकू यानी कि गुजराती में चाकू, चाकू कि जिससे हम सब्जियां काटते हैं, है ना, जिसे गुजराती में चाकू कहते हैं। चिमटा यानी कि गुजराती में चिमटियो। जब हम रोटी बनाते हैं, मम्मी हमारी जब रोटियां बनाती है तो क्या ठंडी होती है? नहीं, वो गरम गरम होती है ना, चूल्हे पर से उतरी होती है तो हाँ, तो वो गर्म चीज हम छू नहीं पाते, तो वह गरम रोटियां पकड़ने के लिए चिमटा उपयोग में लेते हैं हम, तो वो चिमटा जिसे गुजराती में चिपियो कहते हैं। ये थे सारे बर्तनों के नाम। अब हम देखेंगे रसोई घर की कुछ जरूरी चीजें, जैसे कि आटा यानी कि लोट। आटा यानी गुजराती में लोट कि जिससे रोटियां बनती है। फिर है पानी यानी कि गुजराती में पानी, पानी के जिसके बिना हम अधूरे हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, रसोई में रसोई नहीं बनती, तो पानी रसोई घर में बहुत ही उपयोगी चीज है। चावल यानी कि चोखा, है ना, चावल यानी कि चोखा। दूध गुजराती में दूध, दूध कि जिससे हम चाय बनाते हैं। दाल यानी कि दाल, दाल को गुजराती में दाल कहते हैं। दाल कई प्रकार की होती है, कोई एक दाल नहीं होती। दही गुजराती में दही, दूध में से दही बनती है। गुड़ यानी कि गुजराती में गुड़। फिर है नमक यानी कि गुजराती में मीठू, नमक कि जिसके बिना खाना अधूरा है। नमक के बिना हमें खाना अच्छा लगता है? नहीं, कोई स्वाद ही नहीं आता ना, इसीलिए नमक जरूरी है, उसे गुजराती में मीठू कहते हैं। शक्कर यानी कि गुजराती में साकर। मीठा खाना बनाने में शक्कर का उपयोग होता है, जैसे तीखा खाना बनाने में नमक के बिना हमें नहीं चलता, नमक का उपयोग होता है, वैसे ही मीठा खाना बनाने में शक्कर का उपयोग होता है। गेहूं यानी कि गुजराती में गेहूं, गेहूं को पीसकर आटा बनता है। अब है बाजरा यानी कि गुजराती में बाजरी, बाजरे को भी पीसकर आटा बनता है, जिससे बाजरे की रोटी भी बनती है। मक्का यानी कि गुजराती में मकाई,
मक्का भी पीसकर उसका आटा बनता है और मक्का की भी रोटी बनती है। चना यानी कि चना। मटर गुजराती में वटा। तो ये सारी रसोई घर की चीजें थी। तो इसके अलावा भी रसोई घर में और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि सब्जियों में डालने के गरम मसाले और सब्जियां और दूसरी भी कई सारी चीजें। एक बार फिर से हम इसे पढ़ेंगे। थाली गुजराती में थाली। कटोरी यानी कि गुजराती में वाटकी। पतीला गुजराती में तपेली। चम्मच यानी कि गुजराती में चमची। प्याला यानी कि गुजराती में प्यालो। पानी पीते हैं वो वाला प्यालो। और है प्याली यानी कि गुजराती में प्याली की जिसमें हम चाय पीते हैं वो वाली प्याली। प्याला और प्याली में फर्क है। फिर है सांसी यानी कि गुजराती में सांसी जिससे हम गर्म चीजें पकड़ते हैं। चकला यानी कि आंगड़ी जिस पर हम रोटी बेलते हैं। बेलन यानी कि वेलन के जिससे हम रोटियां बेलते। चूल्हा यानी कि चूलो जिस पर रसोई बनती है। चाकू यानी कि गुजराती में चप्पू जिसे सब्जियां काटते हैं। चिमटा यानी कि चिपियो जिससे गर्म रोटियां हम पकड़ते। आटा यानी कि गुजराती में लोट। पानी गुजराती में पानी। चावल गुजराती में चोखा। दूध तो दूध। दाल गुजराती में दाल। कई प्रकार की दालें होती है। दही गुजराती में दही। गुड़ तो गोर। शक्कर यानी कि गुजराती में साकर। चावल यानी कि चोखा। बाजरा यानी कि गुजराती में बाजरी। मक्का यानी कि गुजराती में मकाई। बाजरा और मक्का के लोट से रोटियां भी बनती है। चना गुजराती में चना। मटर गुजराती में वटाण। नमक यानी कि मीठू। तो बच्चों एक बार ये सारे नाम आपको अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षर में लिखना है और तैयार करना है। थैंक यू।